तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पर हम कक्षा नौ की गणित पढ़ रहे हैं और जो बच्चे नए हो उनके लिए है कि सब अपना वीडियो माइक बंद रखेंगे आपका वीडियो का साइन है और ये माइक का साइन है दोनों बंद रखेंगे पूरी चैट क्लास के दौरान आपको यदि अपनी बात कहनी है तो आप कहाँ कहेंगे तीन बिंदु है इसे दबाएंगे तो आपकी ये स्क्रीन बन के आ जाती है इसमें पहला ऑप्शन इनकॉल मैसेजेस का है इनकॉल मैसेजेस पे आप अपनी बात लिख कर कह सकते हैं ठीक है ये लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज का होता है ये एक्टिविटीज में आपको उनके आंसर देने जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी हर किसी को जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर एक्टिविटीज में जाके देना है एक्टिविटीज को दबाने पर आपका पोल लिखा आ जाता है पोल इसे दबाएंगे तो आपका ये इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें चार ऑप्शन होंगे ए बी सी डी आप अपनी कॉपी कॉपी पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर जो सा ऑप्शन आपको सही लगता है उसे क्लिक करेंगे माना ए सही है तो ए को क्लिक करेंगे उसके बाद वोट का बटन क्लिक करेंगे वोट का बटन क्लिक करके वोटेड लिखा आएगा जब वोटेड लिखा आ जाए तब समझिएगा कि वो आंसर मेरे पास पहुंच गया है ठीक है तो आप देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था गणना के आधारभूत नियम पढ़े थे हमने लास्ट क्लास में हमने बॉड मास के बारे में पढ़ा था कि किसी भी संख्या को या किसी भी जो हिसाब किताब है उसे बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं जहां आपकी स्पेलिंग थी बॉड मास की बी ओ डी एम ए एस बी फॉर ब्रैकेट जो कि इस तरह की होती है ओ माने ऑफ डी माने डिवीजन डिवीजन का मतलब क्या होता है भाग देना सबको हिंदी इंग्लिश दोनों पता होनी चाहिए भाग क्या होता है भाग देना एम फॉर मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन माने गुणा गुणा करना उसके बाद आपका ए ए फॉर एडिशन एडिशन आपका क्या होता है जोड़ और एस एस माने सब्ट्रेक्शन सब्ट्रैक्शन माने क्या होता है घटाव माइनस तो ये सब आपको याद है इसी क्रम में हमें हिसाब किताब करना होता है ठीक है जल्दी से तो फिर एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताएं टू प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस सिक्स इसका आंसर क्या होगा जल्दी से सॉल्व करके चैट ऑप्शन में बताएं इसमें तीनों तरह के चिन्ह रहे प्लस गुणा माइनस जल्दी से सब बच्चे सॉल्व करें अपनी कॉपी में उसके बाद मुझे इसका आंसर बताएं। दो प्लस पांच गुणा तीन माइनस छ उसी क्रम में आप सॉल्व करें जल्दी से आंसर सॉल्व करेंगे बीओ डी एम ए एस हम आने लगे आंसर आंसर आने लगे लेकिन सब लोग अपने अपने आंसर खुद से करेंगे फिर मैं बताऊंगी इसका आंसर क्या होगा सबसे पहले इसी क्रम में देखना है क्रम में देखना है तो आपके कौन कौन से प्लस गुणा माइनस सबसे पहले क्या होगा आ रहे आंसर सभी वाले बच्चे आंसर दें फिर मैं सही बताऊंगी आंसर कौन सा है सही है हम्म ठीक है हम्म तो देखिए अब जो आंसर आ रहे हैं आपके ये सही आ रहे हैं पहले आपके गलत आ रहे थे सोमनाथ गिरोह के नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन करा है बेटा एक बार समझे क्या गलती कर रहे हैं आप और अनिश बजाज के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया वो उनका भी गलत है तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है प्लस गुणा और माइनस का चिन्ह तीन चिन्ह दिख रहे हैं तो आपको बॉर्ड मास में सबसे पहले क्या दिख रहा है फॉर मल्टीप्लाई तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे तो क्या चीज में संख्याओं में गुणा करनी है पांच और तीन में गुणा करनी है तो पांच और तीन में गुणा, तो गुणा करोगे कितना आ जाएगा पंद्रह पांच दिया पंद्रह तो ये आपका क्या हो जाएगा दो प्लस पंद्रह माइनस छ अब आपको क्या करना है अगला जोड़ जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा दो में पंद्रह जोड़ेंगे कितना सत्रह माइनस छ अब सत्रह में से छह घटाओगे कितना आ जाएगा ग्यारह तो ये आपका कितना आंसर आएगा ग्यारह चलिए बेटा आपका गलती से आ गया लिख गया तो ठीक है आपको आ गया क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है पर जो अनिश बजाज के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है वो एक बार देखिए सोलह तो नहीं आएगा आंसर कितना आएगा ग्यारह बाकी बच्चों को समझ में आ गया ठीक है बढ़िया है तो फिर अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आज हम क्या सीखेंगे क्लास में विभाजकता के नियम डिविजिबिलिटी रूल्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए विभाजकता के कौन कौन से नियम होते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स नाम से आपको टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी सी चीज है जब भी हम किसी भी चीज को संख्या को विभाजक करते हैं मतलब भाग देते हैं तो हमें कुछ नियम का आपने थोड़े बहुत नियम पता भी होंगे बस मैं उसे थोड़ा सा याद दिला देती हूँ आपको जैसे दो से विभाजकता है पहली आपकी कि यदि कोई भी संख्या है आप उसे दो वो दो से विभाज्य है या नहीं दो से भाग दे सकते हैं या नहीं आपको कैसे पता होगा यदि उसकी इकाई के स्थान पर जीरो दो तो चार छ आठ आता है तो वो संख्या क्या होगी दो से विभाज्य जैसे आपका उदाहरण सोलह सोलह है सोलह दो से विभाज्य है दो से भाग दो दो अठे सोलह शेषफल शून्य ठीक है आपका शून्य शेषफल है तो सोलह दो से विभाज्य है तो यदि कोई बड़ी संख्या होगी तो अब आपको निकालना हो कि वो दो से भाग दे सकते हैं नहीं उसे तो आप सिर्फ इतना देखो कि इकाई का स्थान क्या हो इकाई के स्थान पे जीरो दो चार छह या आठ आता हो इकाई क्या होती है कोई भी संख्या हो आपकी कोई भी बड़ी संख्या ले लो एक दो तीन चार ये आपकी कोई संख्या है तो ये आपका चार क्या होता है इकाई ये प्लेस वैल्यू कहलाती है इकाई फिर उसके बाद आता है दहाई टेंस उसके बाद आता है सैकड़ा मीन्स हंड्रेड और उसके बाद आता है हजार यही तो आपकी प्लेस वैल्यू होती है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड ठीक है तो ये आपकी होती है प्लेस वैल्यू तो हमें सिर्फ इकाई की संख्या देखनी है की की संख्या, इकाई की संख्या इकाई आपकी सबसे लास्ट वाला अंक होता है तो सबसे लास्ट वाला जो अंक है आपका आखिरी अंक वो यदि दो जीरो दो चार छ या आठ है तब आपकी वो संख्या क्या होगी दो से विभाज्य होगी ठीक है तो जैसे आपका चौबीस है तो चौबीस में इकाई की संख्या क्या हो गई चौबीस में इकाई की संख्या आपकी चार चार आपका आ रहा है यहां पर चार आ रहा है दो से क्या हो गई विभाज्य हो गई ऐसी मुझे बताओ थर्टी फाइव थर्टी फाइव के दो से विभाज्य है चैट ऑप्शन में बताओ जल्दी से थर्टी फाइव दो से विभाज्य है नहीं थर्टी फाइव दो से विभाज्य नहीं है तो कैसे पता चला क्योंकि उसका इकाई का अंक क्या है पांच इकाई के अंक में पांच आ रहा है जो कि जीरो दो चार छ आठ नहीं है तो जो भी सम संख्याएं आपकी यदि इकाई की संख्या में आती है इकाई के अंक में तो वो संख्याएं क्या होती हैं आपकी दो से विभाज्य होती हैं ठीक है थीके? तो ये आपकी दो से विभाज्य है क्यों क्योंकि सोलह में देखिए इकाई का अंक क्या है छह रेड से कर रखा है ये इकाई का अंक आपका छ है तो इकाई का अंक आपका जीरो दो चार छ आठ ये आ गया तो ये आपका दो से विभाज्य है चौबीस में आपका इकाई का अंक क्या आ गया चार तो वो भी यहाँ आता है तो ये आपका दो से विभाज्य है पचास में इकाई का अंक क्या आ रहा है जीरो तो ये आपका जीरो आ रहा है मीन्स ये भी आपका दो से विभाज्य है 628, 628 में क्या आ रहा है इकाई का अंक आठ आठ यहाँ आ रहा है Means ये भी आपका दो से विभाज्य है 252 252 में आपका क्या आ रहा है इकाई दो तो दो आपका क्या है यहाँ पे आता है तो ये आपकी संख्या क्या हो गई दो से विभाजित तो है मतलब हम इन्हें दो से भाग दे सकते हैं ठीक है तो जब कोई आपकी बड़ी संख्या आई 352 तो क्या ये दो से विभाज्य है जल्दी से बताओ क्या दो से विभाज्य है या नहीं कमेंट सेक्शन में बताओ दो से विभाज्य है या नहीं है तो यस के लिए वाई टाइप करो हम्म है सबने कहा है कितने बार आता है भाग देने पर भाग देने पे जल्दी से बताओ कितना टाइम्स भाग दोगे तो दो से भाग दो दो से भाग दो दो एकम दो एक बचा फिर पांच लिखोगे दो सत्य चौदह एक बचेगा शेषफल फिर दो उतारोगे दो छक बारह पूरा का पूरा चला गया शेषफल क्या आ गया जीरो तो दो से विभाज्य है और दो से भाग दोगे तो कितना आएगा एक सौ छिहत्तर ठीक है सबको समझ में आ रहा है कि यदि हमें दो से विभाजित चेक करनी होगी तो क्या करेंगे इकाई का अंक देखेंगे इकाई का अंक क्या आ रहा है जीरो दो चार छह आठ आ रहा है तो वो दो से विभाजित है ठीक है सबको क्लियर है यहां तक पहले ही बताएं सबको क्लियर है आगे चलें ठीक है बच्चे जो जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें बता दो कि टाइम से ज्वाइन करा करो अब देखिए आपका एक टॉपिक निकल गया और अभी इस समय पूरे पौने छह हो रहे हैं पंद्रह मिनट बाद आप ज्वाइन कर रहे हैं बालू दलाल के नाम से जो इस बच्चे ने ज्वाइन करा है टाइम से ज्वाइन करोगे तो आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं ठीक okay. है तो इसलिए अब आपका छूट गया अब आ गया आप क्या इसलिए कोशिश कर साढ़े पांच पर आ जाया करें ठीक है तो अभी सिर्फ मैंने दो से विभाजकता सिखाई है आगे क्वेश्चन होगा तो और दोबारा से बता दूंगी वैसे आपको पता होगा ये मैंने दो से पहाड़े जब समझाए थे तब भी बताया था कि दो के पहाड़े में क्या आता है लास्ट में इकाई के अंक में जीरो दो चार छह आठ आता है आपको याद होगा तो यदि आपकी कोई भी संख्या में इकाई का अंक जीरो दो चार छह आठ आता है तो वो दो से हम विभाजित कर सकते हैं ठीक है अब आगे सीखते हैं ये आपके लिए थोड़ा कुछ नया होगा कि यदि हमें चेक करना है कि कोई संख्या तीन से विभाजित हो सकती है या नहीं जैसे उदाहरण देखो 57 57 को तीन से भाग देंगे तो ये तीन एकम तीन दो शेषफल बचा सात उतारेंगे तीन नौ सत्ताईस तो ये आपका पूरा पूरा जा रहा है तो 57 आपकी तीन से विभाजित हो सकती है लेकिन क्या इसका शॉर्टकट है ये तो हमने भाग दे के पहचाना कि ये विभाजित हो सकती है नहीं आपको डायरेक्ट पता करना हो कि हम तीन से भाग इसे दे सकते हैं या नहीं तो हमें क्या पता करना चाहिए कि उस संख्या के का योग, उस संख्या संख्या के के अंकों अंकों का का योग, योग से विभाजित हो मीन्स यहाँ 57 था तो 57 के अंकों का योग अंक क्या थे इसके पांच और सात पांच और सात का योग तीन से विभाजित हो पांच और सात को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ पांच और सात से जोड़ेंगे इतना आएगा पांच प्लस सात पांच प्लस सात बारह बारह आपका आ गया तो बारह तीन से विभाजित है अब ये हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा बारह तीन से विभाजित होता है क्यों क्योंकि तीन छो बारह ये तो सबको एकदम से पता होगा ये तीन से विभाजित हो सकता है तो इस तरीके से हम जल्दी से बता सकते हैं कि आपकी संख्या तीन से भाग दे सकते हैं या नहीं ऐसी ये आपका जैसे सिक्सटी सिक्स है अंकों का योग क्या हो जाएगा सिक्स प्लस सिक्स तो ये आपका कितना हो गया छ प्लस 6, 12 तो बारह भी तीन से विभाजित है तो ये आपकी संख्या क्या होगी तीन से भाग दे सकते हैं ये तो आपको वैसे भी दिख रहा है कि तीन से भाग दे सकते हैं तीन दुनी छः फिर उसके बाद तीन दुनी छ तो ये कितना आ जाएगा बाईस दिख रहा है सबको कि ये भी विभाजित है दूसरा आपका तरीका यहाँ पे देखो 66 में आपको साफ पता चल रहा है अंकों का जोड़ तो तीन के पहाड़े में आता है तो आप जोड़ो या ना जोड़ो ऐसे ही काट सकते हो कि ये तीन के पहाड़े में आता है तो ये इसका जोड़ भी तीन के पहाड़े में आएगा ये तीन के पहाड़े में आता है तो इसका जोड़ में भी इसका कोई योगदान नहीं है कितना तो हम आगे ऐसे भी पता कर सकते हैं जैसे एक बार ये देखिए दो तीसरा संख्या आपकी क्या है 204 तो क्या ये तीन से भाग दे सकते हैं या नहीं तो कैसे चेक करेंगे इसके अंकों का योग देख लेंगे अंकों का योग दो प्लस जीरो प्लस चार कितना हो जाएगा अंकों का योग दो प्लस चार छ आपका तीन से भाग दे सकते हैं तीन दुनिया तो छ जब हम तीन से भाग दे सकते हैं तो आपका दो सौ चार भी क्या हो गया तीन से विभाजित हो सकता है चेक कर लो एक बार तीन को दो सौ चार से भाग दो बताओ कितना आएगा जल्दी से तीन को दो सौ चार से भाग देखे बच्चों बताओ जल्दी से कितना आएगा तीन छक अठारह दो शेष फल बचेंगे चार उतार लोगे ये कितना आ जाएगा तीन अट्ठे चौबीस हम्म आने लगे आपके आंसर कितना आएगा 68. तो समझ में आ रहा है कि आपको यदि कोई बड़ी संख्या मिल जाए तो भाग तीन से दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं कैसे पता लगाओगे कि अंकों का योग तीन से विभाजित है या नहीं सिर्फ इतना देखो कि अंकों का योग तीन से विभाजित हो तो वो संख्या तीन से विभाजित होगी नहीं अन्यथा नहीं है। अब बड़ी संख्या देखते हैं जैसे ये है सिक्स नाइन थ्री फाइव फोर एक बार ये देखो सिक्स नाइन थ्री फाइव फोर तो दो तरीके हैं आपको पहले अंकों का योग देखना है तो सिक्स प्लस नाइन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस फोर तो यहां देखो आपको कितना बड़ा जोड़ करना है जोड़ना चाहो तो पहले पूरा जोड़ लो जिसमें आपको आसानी हो छ को नौ से जोड़ोगे कितना आएगा इसे जोड़ के बताओ जल्दी से कितना आ रहा है जल्दी से सब लोग बच्चों बताओ कितना आएगा जोड़ करके छह प्लस नौ पंद्रह पंद्रह प्लस तीन अठारह अठारह प्लस पांच तेईस तेईस प्लस चार सत्ताईस सत्ताईस आ रहा है देखो सबका सत्ताईस सब आया जल्दी से बताओ सबका सत्ताईस सब आ रहा है जल्दी से जोड़ो इतनी कोई बड़ी संख्या नहीं है छह प्लस नौ प्लस तीन प्लस पांच प्लस चार हम्म Hmm. 27 आ गया और सत्ताईस आपका आ रहा है तो फिर सत्ताईस तीन से भाज्य है तीन नौ सत्ताइस तो ये तीन से भाज्य है विभाजित हो सकता है तीन से भाग देंगे तो तीन नौ सत्ताईस तो जब ये तीन से विभाजित हो सकता है तो ये संख्या भी आपकी क्या हो सकती है तीन से विभाजित होगी ठीक है ये संख्या भी आपकी तीन से विभाजित होगी अच्छा सत्ताईस जोड़ने में यदि देर लग रही है तो ऐसे और समझ लो जैसे छ छह तीन के पहाड़े में आता है तो इसे जोड़ो ना जोड़ो बात एक ही है नौ तीन के पहाड़े में आता है इसे जोड़ो ना जोड़ो बात एक ही है तीन, तीन के पहाड़े में आता है तो इसे जोड़ो ना जोड़ो बात एक ही है ये तीन दुनी हो तीन ती तीन, ये होता तिया तीन एकम तो बचे क्या ये तीन के पहाड़े में नहीं आते तीन को जब पांच से करते हैं तो भी दो शेषफल बचता है चार से भाग देंगे तो भी एक शेषफल बचेगा तो पांच प्लस नौ बच रहे हैं तो पांच प्लस नौ पांच प्लस चार कितना आ रहा है तीन तो केवल इन्हें भी जोड़ो तब भी आपका कितना आ रहा है नौ और ये तीन से विभाजित है तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी तीन से विभाजित तो दूसरा तरीका ये था यदि आपकी इन संख्याओं में जो वो अंक आ रहे हैं जो तीन के पहाड़े में आ रहे हैं उन्हें आप जोड़ो या ना जोड़ो बात एक ही है ठीक है ये बात आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो सभी को जोड़ करके वैसे ही पहली वाली बात समझ में आ रही है तो वो सही है ठीक है अच्छा जल्दी से बताओ मुझे थ्री ट्वेंटी सेवन तीन से विभाजित है या नहीं जल्दी से बताओ थ्री ट्वेंटी सेवन तीन से विभाजित है या नहीं हम्म आने लगे आंसर आपके ठीक है जल्दी से सब बच्चे बताएंगे हम्म तो सबने क्या करा होगा अंकों का योग किया होगा तीन प्लस दो प्लस सात अंकों का योग कितना आ गया तीन प्लस दो पांच पांच सात बारह बारह का तीन से विभाजित है तो ये संख्या भी तीन से विभाजित होगी या तीन तीन के पहाड़े में आता है तो तीन को हटा दो प्लस सात कितना हो गया नौ तो नौ भी आपका तीन के पहाड़े में आता है तो ये आपकी क्या हो गई तीन से विभाजित होगी ठीक है तो ये सारी संख्याएं आपकी तीन से विभाजित होंगी क्यों क्योंकि इनके अंकों का योग तीन से विभाजित होता है इसलिए ये सारी संख्याएं आपकी तीन से विभाजित हैं फिफ्टी सेवन का आपने देखा पांच प्लस सात बारह सिक्सटी सिक्स का छह प्लस बारह, दो सौ चार का दो प्लस जीरो प्लस चार दो प्लस चार कितने होते हैं ये भी तीन से विभाजित है फाइव ट्वेंटी एट का फाइव प्लस टू प्लस एट पांच प्लस दो सात सात में आठ जोड़ेंगे सात प्लस आठ पंद्रह पंद्रह भी तीन की टेबल में आता है तीन पंजे पंद्रह इसी तरह सिक्स नाइन थ्री सिक्स सिक्स नाइन थ्री सिक्स को जोड़ो छह में नौ जोड़ोगे छह प्लस नौ पंद्रह पंद्रह प्लस तीन अठारह अठारह प्लस छ चौबीस ये कितना आ गया चौबीस तो ये तीन से विभाजित है तीन अट्ठे चौबीस तो ये सारी संख्याएं आपकी क्या है तीन से विभाजित है ठीक है अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट हो तीन से विभाजित दो से विभाजित समझ में आ गया सबको एक बार चैट ऑप्शन में लिख के बताओ सबको समझ में आ रहा है ठीक है किरण प्रजापत आपके उस पर नो, एन आ रहा है? नो कुछ आपको नहीं समझ में आया तो बताएं। कोई भी टॉपिक इसमें डाउट हो कुछ भी लिख कर बताएं या अपने आपको अनम्यूट करके भी बता सकते हैं किरण प्रजापत के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है एक बार बताएं आपको समझ में आ गया नहीं तो अपने आपको अनम्यूट करके भी डाउट पूछ सकते हैं लिख सकते हैं लास्ट वाला बता दो मैम यही तीन वाला मैम ये लास्ट अच्छा थ्री सिक्स वाला यस मैम ठीक है तो थ्री सिक्स में आपका ये नई संख्या थ्री सिक्स तो सिक्स नाइन थ्री सिक्स तीन से विभाजित होगी या नहीं होगी ये हमें कैसे पता चलेगा इसके अंकों का योग देखना है तो अंकों का योग देखते हैं पहला अंक है छह दूसरा अंक है नौ तीसरा अंक तीन और चौथा अंक तो यही तो आपके अंक हैं इनके अंकों का योग पहले देखते हैं कितना होगा तो जोड़ो जोड़ो और योग बताओ कितना होगा छ में नौ जोड़ोगे कितना आएगा छह प्लस नौ पंद्रह पंद्रह प्लस तीन अठारह अठारह प्लस छह चौबीस तो संख्याओं के अंकों का योग कितना आ गया चौबिस अब चौबिस बताओ तीन से विभाजित है या नहीं यदि चौबिस तीन से विभाजित होगी तो संख्या भी आपकी तीन से विभाजित होगी तो 24 तीन की टेबल में आता है तीन 8 24 हम्म तो 24 आपका तीन से विभाजित है मींस ये संख्या भी आपकी क्या हो गई तीन से विभाजित हो गई तीन की टेबल में आपका तीन 8 24 आता है कोई विशेष फल नहीं है ये पूरा पूरा तीन से विभाजित है तो मींस 6936 भी आपका तीन से विभाजित होगा एक बार चेक कर लो 6936 को तीन से अब चेक करोगे डिवाइड करके तो आप देखोगे आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा करो तीन से डिवाइड तीन दुनी छह फिर नौ रखोगे तीन तिया नौ फिर तीन रखोगे फिर तीन एकम तीन फिर छह रखोगे तीन दुनी, तो ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया टू थ्री वन टू आ गया बताओ आप क्लियर है बच्चों ठीक है अब क्लियर है न? आगे चले हम अब देखते हैं हम्म ठीक है अब देखते हैं चार से विभाजनता का क्या नियम है हम भी संख्या को चार से डिवाइड करेंगे नहीं, या नहीं हमें एकदम से कैसे पता चलेगा ये एकदम से पता करने के लिए क्या है शॉर्टकट है तो कोई भी संख्या आपकी चार से विभाजित है या नहीं इसके लिए क्या नियम है कि तीन या अधिक अंकों की एक संख्या हो तीन या अधिक अंकों की एक संख्या हो वो चार से विभाजित होती है यदि उसके अंतिम दो अंक अंतिम दो अंक इकाई और दहाई के से बनी संख्या चार से विभाज्य हो तो ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं जैसे आपकी एक संख्या है एक तो इसके लास्ट के दो अंक पे अब हमें फोकस करना है क्यों क्योंकि लास्ट के दो अंक क्या होते हैं आपके एक इकाई का होता है और दूसरा दहाई का होता है तो ये दोनों अंक जो आपके बन आ रहे हैं ये आपका इकाई और दहाई का अंकों से बनी संख्या क्या होगी बारह तो ये आपके इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि आपकी चार से विभाजित है मींस चार से डिवाइडेबल है तो आपकी संख्या भी क्या हो जाएगी चार से भाग दे सकते हैं ये आपकी चार से डिविजिबल है चाहती है बारह तो आपकी एक सौ बारह भी क्या होगी चार से विभाजित हो सकती है करें चार दुनिया आठ चार दुनिया आठ बच्चा कितना तीन ग्यारह में से आठ गया तीन दो रखेंगे चार अठे बत्तीस तो ये आपकी पूरी पूरी चली गई तो कितना आ गया अट्ठाईस बार आ गया तो इस तरीके से आप एकदम जल्दी से निकाल सकते हैं कि आपका एक सौ बारह चार से विभाजित हो रहा है या नहीं कैसे कि हमने क्या करा उसकी इकाई और दहाई का जो बने अंक बने हैं बारह बना इकाई और दहाई से वो आपका चार से विभाजित है तो आपका चार से भाग दे सकते हैं ऐसी दूसरी संख्या देखो चार हजार चार इसमें लास्ट के दो अंक इकाई और के क्या बन रहे हैं शून्य चार 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 से विभाजित होता है तो ये भी आपकी चार से विभाजित हो जाएगी हम्म ऐसे ही आगे आपकी ये क्या है टू जीरो टू फोर टू जीरो टू फोर में आपका इकाई दहाई क्या बनना है चौबिस तो चौबिस चार की टेबल में आता है चार छक चौबिस पूरा पूरा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा चार से विभाजित हो जाएगा पांच सौ पांच हजार सोलह फाइव जीरो का क्या आता है आपका सोलह तो सोलह चार की टेबल में आ रहा है चार चौके सोला तो ये भी आपका क्या हो जाएगा पूरा पूरा जा रहा है मीन्स ये आपका चार से विभाजित है ऐसी अगली संख्या आपकी क्या है सिक्स नाइन थ्री टू जीरो तो लास्ट के दो अंक क्या बना रहे हैं बीस तो लास्ट के इकाई और दहाई के अंक बीस है जो चार के पहाड़े में आते हैं चार पंजे बीस तो एकदम से पता चल गया कि ये आपके चार से विभाजित है ये सारी संख्याएं कैसे पता चली बस ये देखो इकाई और दहाई का जो अंक है इकाई और दहाई के अंक उनमें परिवर्तन मत कर देना बीस है तो बीस ही रहने देना और जीरो टू मत कर देना तो लास्ट के जो जो जैसे लिखे हुए हैं इकाई और दहाई के अंक वैसी के वैसे ही देखो कि चार से भाग दे सकते हो या नहीं चार से भाग दे सकते हो तो पूरी संख्या को चार से भाग दे सकते हो नहीं तो नहीं बताओ समझ में आया ये चार का ऐसी कोई एक उदाहरण पूछूं कोई भी एक संख्या ले लो थ्री ट्वेंटी फोर बताओ थ्री ट्वेंटी फोर आपका चार से डिविजिबल है या नहीं जल्दी से पहले ये बताओ थ्री ट्वेंटी फोर फोर से डिविजिबल है या नहीं चैट ऑप्शन में बताओ हाँ आने लगे थ्री ट्वेंटी फोर आपका चार से डिविजिबल है कैसे पता चला ये लास्ट के दो अंक चौबीस है चार हैं चार से भाग दे सकते हैं ऐसे करके भी देख लो चार से भाग दोगे तो कितना आएगा पहले दो अंक लो चार अट्ठे बत्तीस कुछ भी नहीं बचा चार रचा चार को उतारोगे चार एक चार ये कैंसिल हो गया बच्चों जिसका माइक खुल गया है आप नए माइक म्यूट कर लो माइक म्यूट कर लो किरण प्रजापत के नाम से जो बच्चा है उसका माइक खुल गया है यदि कुछ पूछना है तो आप डाउट अपना लिख के पूछ सकते हो ठीक है हाँ तो अब ये आपको समझ में आया कि एकदम से पत, कैसे पहचान सकते हो चार से डिविजिबल है या नहीं लास्ट के दो अंकों को देखो चार से डिविजिबल है या नहीं चार से भाग दे सकते हो या नहीं ठीक है एक और पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है ये बहुत सिंपल है अब हमें चेक करना है पांच से विभाजित होगा कोई भी संख्या या नहीं तो आपको पहले ही पता है पांच का पहाड़ा पढ़ते हैं तो क्या होता है पांच कम पांच पांच दूनी दस पांच पंद्रह पांचक बीस पांच पंजे पच्चीस पांच तीस पांच सतह पैतीस तो आपको यहीं पे ही दिख रहा है कि सभी के इकाई के अंक क्या आ रहे हैं सभी संख्याओं के इकाई के अंक या तो पांच आ रहे हैं या जीरो आ रहे हैं बस हमें दो ही इकाई के अंक मिलते हैं पांच जीरो पांच जीरो पांच जीरो पांच जीरो इसी तरह हमें सिर्फ दो ही अंक मिलते हैं पांच और जीरो तो वो संख्या जिसके इकाई का अंक जीरो हो या पांच हो वो आपकी संख्या पांच से विभाज्य होती है पांच से डिविजिबल होती है ये तो बहुत ही सिंपल है तो उदाहरण आपको दिखी रहा है कि ये क्या है पंद्रह नब्बे एक सौ पांच पंद्रह में क्या आ रहा है इकाई का अंक पांच तो ये आपका पांच से डिविजिबल है नब्बे में इकाई का अंक क्या आ गया जीरो जीरो आ रहा है तो पांच से डिविजिबल है एक सौ पांच इकाई का अंक क्या आ रहा है पांच तो ये भी आपका क्या है पांच से विभाज्य है हैं वन टू थ्री फाइव इकाई का अंक क्या आ रहा है पांच तो ये आपका पांच से विभाज्य होती है फोर फाइव एट टू फाइव जीरो कितनी बड़ी संख्या ले ली लेकिन अंत इकाई की संख्या क्या है जीरो इकाई की संख्या जीरो है तो वो पांच से विभाज्य होगी ठीक है तो अब तक हमने क्या सीखा दो से तीन से चार से और पांच से विभाजित होने के चार संख्याओं से नियम सीखे सबसे पहले दो का नियम सीखा दो में आपके इकाई के अंक कौन कौन से होने चाहिए जीरो टू फोर जीरो टू फोर सिक्स एट ये पांच संख्याएं आपकी इकाई में होंगी तो आपकी संख्या क्या होती है दो से विभाज्य होती है ठीक है जीरो टू फोर सिक्स एट उसके बाद तीन तीन में आपके अंकों का योग अंकों का योग तीन से विभाज्य हो तीन से डिवाइडेबल हो तब आपका तीन से वो संख्या विभाज्य होती है यही तो अभी हमने देखा यदि उसकी अंकों का योग तीन से विभाज्य है तो वो तीन से विभाजित होती है चार में हमने क्या देखा लास्ट की दो संख्याएं इकाई और दहाई चार से विभाज्य है तो वो आपका चार से विभाजित होती है और पांच में हमने क्या देखा कि इकाई की संख्या में या तो जीरो आए या पांच आए तो वो पांच से विभाज्य होती है अब पहले बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो यहां तक किसी को कोई डाउट हो सबको समझ में आ गया दो तीन चार पांच में कैसे कैसे होती है ठीक है आप लिख के बता दे हम्म ठीक है सबको क्लियर है ठीक है तो अब इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन से फिर और क्लियर हो जाएगा साथ साथ क्वेश्चन भी मैं समझा दूंगी यदि किसी को कोई डाउट हो अभी भी तो पहले आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दो से विभाज्य है आपको ऑप्शंस दे रखे हैं वन जीरो थ्री वन वन जीरो थ्री थ्री वन जीरो थ्री फोर वन जीरो थ्री फाइव कोई भी बोलेगा नहीं इसका आंसर कहाँ देना है पोल सेक्शन में देना है ठीक है तो हमें ये सबसे पहले थ्री पर... फोर कोई नहीं बोलेगा कोई आंसर अपना कहाँ दोगे सब बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में देंगे सब अपना अपना आंसर सॉल्व करो और आंसर पोल सेक्शन में दो तो कौन सी संख्या दो से डिविजिबल है दो से हम भाग दे सकते हैं कौन सी संख्या को अपना आंसर पोल सेक्शन में देना है तीन बिंदु देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे उसे क्लिक करिए सबसे लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी सारा होगा उसे दबाएं पोल सेक्शन दिख रहा होगा पोल सेक्शन पे जाएं जोन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन को दबाएं और वोट का बटन दबाएं जल्दी से पोल सेक्शन में सभी आंसर देंगे बहुत इजी सा क्वेश्चन है जल्दी से सब लोग पोल सेक्शन पे जाएं हम्म हाँ। आ रहे हैं आपके आंसर जल्दी जल्दी सब लोग पोल सेक्शन पे दें थोड़े से बच्चे और रहे हैं लास्ट दस सेकेंड हम्म जल्दी 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 लास्ट पांच सेकेंड पांच सब आंसर दें पांच चार तीन दो एक एंड ठीक है बताए किसी को कोई पोल सेक्शन किसी का क्या काम नहीं कर रहा है किसी बच्चे का रह गया है क्या किसी बच्चे का पोल सेक्शन यदि काम नहीं कर रहा हो तो वो चैट ऑप्शन में आंसर लिख सकता है अब नहीं तो सबको आंसर कहाँ देना होता है पोल सेक्शन में टू फोर हाँ तो सबने आंसर सही दिया मैंने आंसर देखा सबके आंसर आए हैं ऑप्शन सी वन जीरो थ्री फोर तो ये तो मतलब सबको क्लियर है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि जब हमें दो से विभाजकता चेक करनी होती है तो हम क्या देखेंगे इकाई का अंक इकाई का अंक देखते हैं और इकाई का अंक क्या होना चाहिए जीरो दो चार छ आठ में से कोई एक अंक होना चाहिए यही हमारा देखने का तरीका होता है कि वो दो से विभाज्य है या नहीं इसका इकाई का अंक क्या है एक क्या ये किस में आता है नहीं इसका इकाई का अंक क्या है तीन क्या तीन इनमें आता है जीरो दो चार छह आठ में नहीं इसका इकाई का अंक है चार चार इसमें आता है तो ये तो आपका दो से विभाज्य है इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है पांच पांच भी ऊपर नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं होगा तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका आंसर है वन जीरो थ्री फोर वन जीरो थ्री फोर आपका दो से विभाजित होता है ठीक है सबको क्लियर हो गया अब आगे देखते हैं आगे आपका क्वेश्चन क्या है इसका आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीन से विभाजित है तीन से विभाज्य है हमें बतानी है चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सिक्स थ्री नाइन टू थ्री फिर सेवन टू सिक्स सेवन वन थर्ड ऑप्शन है वन जीरो फाइव थ्री फोर फोर्थ ऑप्शन है फोर थ्री सिक्स जीरो फाइव ठीक है आपके आंसर आने भी लगे इतनी जल्दी बेटा जल्दबाजी नहीं आपका हो आ गया एक बार चेक जरूर करें ठीक है चलिए देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं तीन से विभाजित है कौन सी संख्या एक ही संख्या है एक ही ऑप्शन सही होगा सबने अपने नोट्स बनाए होंगे नोट्स में देखें क्या था तीन से विभाजित होने की शर्त क्या थी उस शर्त को देखें और फिर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें क्या थी तीन से विभाज्य होने की अंकों का योग तीन से विभाज्य हो अंकों का योग सभी अंकों का योग आने लगे आपके आंसर जल्दी से सब लोग आंसर देंगे हम्म करें सॉल्व थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि संख्याएं बड़ी बड़ी ली है मैंने लेकिन यदि आपको प्रोसेस सही से आ गया समझ में कि तीन से विभाजकता कैसे चेक करनी है कैसे देखना है तो आप आंसर सही दोगे जल्दी से सब लोग सॉल्व करें फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कौन सा सही आंसर है कोई बोलेगा नहीं माइक पे सब अपना अपना सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर दोगे आने लगे आंसर सभी बच्चे आंसर दें तीन से विभाजकता का क्या नियम था कि अंकों का योग तीन से विभाज्य हो कोई बोलेगा नहीं अपना माइक बंद रखें बालू दलाल के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है अपना माइक बंद रखें आप ही क्वेश्चन सबको अपना अपना आंसर सॉल्व कर करने दें बाद में बताएं बाद में मैं चैट ऑप्शन खोल दूंगी आप लिख के बता दीजिएगा जब तक पोल चल रहा है उस समय मैं चैट बंद रख देती हूँ ताकि सब बच्चे आंसर पोल सेक्शन में दें चैट में आप एक दूसरे का आंसर पढ़ सकते हैं पोल में कोई बच्चा एक दूसरे का आंसर नहीं सब अपना अपना देते हैं इसलिए और साथ साथ आपकी अटेंडेंस और प्रोग्रेस भी पता चल जाती है कितनी हो रही है ठीक है आंसर जल्दी जल्दी से 10 से लास्ट सब आंसर दें दस नौ जल्दी से आंसर दें आठ सात छ तीन दो एक ठीक है अब देखते हैं इसका आंसर क्या है आधे बच्चों ने आंसर सही दिया एक आध बच्चे ने आंसर गलत दिया हुँ. तो पहले देखते हैं आंसर कैसे निकाला और क्या रहा होगा आंसर तो तीन से विभाजकता का मैं आपको साथ साथ बताती भी जा रही थी कि हमें अंकों का योग देखना है जिन जिस संख्या का में अंकों का योग तीन से विभाजित होगा वो संख्या भी तीन से विभाजित होगी आपको पूरा पूरा तीन से भाग न, देख कर नहीं करके नहीं देखना था कि ये तीन से भाग दे सकते हैं या नहीं आपको शॉर्टकट मैंने बताया था शॉर्टकट क्या था अंकों का योग देख लो तो अंकों का योग देखना है पहला आपका क्या है छह प्लस तीन प्लस नौ प्लस दो प्लस तीन तो इनके अंकों का योग बताओ क्या होगा छ प्लस तीन प्लस नौ छ प्लस तीन नौ नौ प्लस नौ अठारह अठारह में दो जोड़ेंगे बीस और बीस में दो तीन जोड़ेंगे तेईस तो क्या तेईस तीन की टेबल में आता है नहीं दूसरा तरीका मैंने ये भी बताया था कि पहाड़े देख लो यदि तीन के पहाड़े में छ आता है तीन दोनी छह तो इसका जोड़ में कोई योगदान नहीं होगा तीन एकम तीन तब भी जोड़ में कोई योगदान नहीं होगा तीन किया नौ तो भी जोड़ में नहीं तीन कम तीन तो केवल बच कह रहा है दो तो दो आपके तीन के पहाड़े में नहीं आता है तब भी आपका ये तीन से विभाज्य नहीं होगा तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया था उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि या तो सभी संख्याओं का योग देख लो तेईस या वो संख्याएं देख लो जो तीन के पहाड़े में नहीं आती हैं तो दोनों तरीके हैं आपके चेक करने के यदि वो दोनों ही तीन की टेबल में नहीं आ रहे हैं तो ये आपका तीन से विभाजित नहीं होगा हम्म बाकी ये देखते हैं ये आपका क्या है सात प्लस दो प्लस छह प्लस सात प्लस एक तो तीन की टेबल में सिर्फ ये आ रहा है तीन दोनी छह बाकी तो कुछ नहीं आ रहा है तो बाकी अंकों का योग देखते हैं सात में दो जोड़ेंगे नौ नौ में सात जोड़ेंगे सोलह सोलह में एक जोड़ेंगे सत्रह तो सत्रह भी तीन के पहाड़े में नहीं आता तीन के पहाड़े में पंद्रह आता, आता है या अठारह आता है सत्रह नहीं आता तो ये भी नहीं होगा अब उसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं वन जीरो फाइव थ्री फोर वन जीरो इनके अंकों का योग कितना होगा तीन आता है आपके पास तीन के पहाड़े में और तो कोई नहीं आता तो इन्हें जोड़ लो एक में पांच जोड़ेंगे छह छ प्लस चार दस तो तीन के पहाड़े में दस भी नहीं आता तीन तिया नौ आता है तीन चौक बारह आता है तो ये भी आपका तीन के पहाड़े में नहीं आता तो ये भी आपका गलत हो गया लास्ट डी देखो फोर प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस जीरो प्लस फाइव तो ये काफी बच्चों ने सही आंसर भी दिया है तीन के टेबल में आपका तीन आता है छह आता है बाकी क्या बचा चार और पांच चार प्लस पांच कितना हो जाएगा नौ नौ आपका तीन के पहाड़े में आता है तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही डी आपका सही आंसर है फोर थ्री सिक्स जीरो फाइव आपका तीन से विभाज्य है यहाँ तक आप बताओ किसी को कोई डाउट हो किसी को कोई क्वेश्चन दो या तीन के चेक में कोई क्वेश्चन हो तो आप आप माइक अनम्यूट करके भी कह सकते हैं या चैट में लिख कर भी बता दें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताएं पूछें सबको क्लियर है एक बार शायद मैंने चैट नहीं खोली अभी मैं अभी खोली तब आप लिख के बता दीजिएगा यदि कभी चैट खोलनी में रह जाऊं तो अपने आप को उस टाइम पे अनम्यूट करके भी कह सकते हो आप बताएं सबको क्लियर है जल्दी से बताओ मुझे क्लियर है ठीक है बढ़िया सबको क्लियर है ठीक है तो अब आगे देखते हैं आगे, आगे आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बताओ कौन सी संख्या चार से विभाज्य है चार से विभाज्य है कौन सी संख्या ये बतानी है और आंसर कहां देना है पोल सेक्शन पे चेक करो चार से विभाज्य याद करो पहले चार से विभाज्य होने का मैंने क्या नियम बताया था चार से विभाज्य होने का क्या नियम था लास्ट की दो संख्याएं देखो इकाई और ढाई आंसर भी आने लगे हम्म सेक्शन में सही आंसर दे रहे हैं बच्चे सभी बच्चे आंसर दें बस दो संख्याएं लास्ट की देखो इकाई और ढाई की वो यदि आपकी चार से डिविजिबल हैं तो आपकी संख्या चार से विभाजित होगी आंसर आने लगे हम्म बढ़िया सभी ने अभी तक सही आंसर दिए हैं हम्म आ रहे हैं सबके आंसर सभी बच्चे आंसर दें आधे बच्चों के आंसर आ गए चार से विभाजकता देखनी है इतनी बड़ी संख्याओं को चार से भाग देने मत बैठ जाना शॉर्टकट मैंने बताया है शॉर्टकट क्या है बस लास्ट के दो अंक देखो इकाई और दहाई के इकाई और दहाई के अंक देखो और बताओ कि वो चार से विभाजित है या नहीं वो होगी तो आपकी संख्या चार से विभाजित होगी ठीक है जल्दी से सब लोग आंसर दें जल्दी से आंसर दें इतनी देर नहीं लगनी चाहिए जल्दी से लास्ट बीस सेकेंड आए आंसर सभी आंसर दें लास्ट दस सेकेंड लास्ट पांच पांच चार तीन दो एक ठीक है तो काफी बच्चों ने अभी आंसर नहीं दिए पर जितनों ने दिए सबने बिल्कुल सही दिए ठीक है तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं आपको बताया पूछा था कौन कौन सी संख्या चार से विभाज्य है कौन सी संख्या तो चार के से विभाज्य में मैंने पहले ही आपको बताया था लास्ट की सिर्फ दो संख्याएं देखनी है इकाई और दहाई की तो इकाई और दहाई की यहाँ क्या है सिक्सटी फोर यहाँ क्या है इकाई और दहाई की पचास यहाँ पे लास्ट की दो संख्याएं क्या है इकाई और दहाई की एट्टी यहाँ पे लास्ट की दो संख्याएं क्या है तेईस टू थ्री ट्वेंटी थ्री बस हमें ये देखना है क्या ये चार से विभाज्य है जो चार से विभाज्य होगी वही संख्या आपकी चार से विभाजित होगी तो देखो चार की टेबल में चौसठ आता है चार एकम एक चार दो रिमाइंडर बचे चौबीस चार छक, चौबीस क्लियर तो है ये आपका पूरा पूरा कट रहा है चार की सोलह से गुणा करेंगे तो चौसठ तो आता है तो ये आपका चार से डिविजिबल है तो ए आपका चार से डिविजिबल होगा आंसर तो सही है बाकी ऑप्शन भी चेक कर ले बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं देखते हैं चार की टेबल में पचास आता है या नहीं आता है तो चार की टेबल में पचास आता है या नहीं आता है चार एकम चार एक बचा जीरो तारा तो चार धुनी आठ दो शेषफल बचा पूरा पूरा गया ही नहीं तो 50 आपका चार से डिविजिबल नहीं है चार से विभाज्य नहीं होता तो ये संख्या भी आपकी चार से विभाज्य नहीं होती 82, 82 एटी के चार से विभाज्य है चार धुनी आठ पूरा पूरा चला गया दो उतारेंगे तो दो उतारेंगे तो चार की टेबल में दो आता नहीं है तो यह आपका पूरा पूरा विभाज्य नहीं है इसी तरह तेईस तो साफ ही दिख रहा है वो चार से पूरा पूरा विभाज्य नहीं है क्यों चार पंजे बीस चार छत चौबीस तो ये आपका तीन शेष फल बच गया तो इस तरीके से जो शेषफल बच रहे हैं यहाँ पे भी आपका शेषफल बच रहा है दो दो शेषफल बच रहा है तो इस तरीके से आपकी केवल कौन सा पहली संख्या ही आपकी चार से विभाज्य है ठीक है सबको समझ में आ गया पहली संख्या आपकी चार से विभाज्य है तो इसका आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एक लास्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन और देखिए कौन सी संख्या पांच से विभाज्य है जल्दी से इसका आंसर और दीजिए पोल सेक्शन में कौन सी संख्या पांच से विभाज्य है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जल्दी से सब लोग आंसर देंगे जल्दी से सब लोग आंसर दें बच्चों आप लोग जल्दी क्यों छोड़ जाते हो क्लास काफी बच्चों ने लेफ्ट कर दिया कहीं और जाना था उन्हें मैं कल पूछूंगी उन लोगों से चलिए पसो परसों क्लास होगी तब बीच में उन्होंने छोड़ा क्लास पूरी नहीं करी आप लोग आंसर दें कौन सेक्शन में जल्दी से कौन सी संख्या पांच से विभाजित है हम्म आने लगे आंसर एक बच्चा और है दो बच्चे और रह गए जल्दी से दो बच्चे और दें आंसर लास्ट पांच सेकेंड पांच चार तीन दो एक ठीक है तो इसका आंसर देखते हैं सभी ने सही आंसर दिया अभी कौन सी संख्या पांच से विभाजित है पांच से देखने के लिए हमें क्या देखना होता है सिर्फ इकाई की संख्या इकाई में आपका जीरो आ रहा है या पांच आ रहा है यही देखना होता है तो इकाई में सात आ रहा है जीरो और पांच नहीं है तो ये गलत ये आपका इकाई की संख्या में जीरो आ रहा है तो ये आपका पांच से विभाज्य होगा बी सही आंसर आ गया ये आपका छ है लास्ट में आपका छ नहीं जीरो या पांच होना चाहिए यहाँ पे भी नौ है यहाँ पे भी जीरो और पांच नहीं है तो ये सब गलत हो गए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया तो बताओ ये यहाँ तक सबको क्लियर है दो से तीन से चार से और पांच से विभाजनता के नियम देखे दो में आपका इकाई का अंक क्या होना चाहिए लास्ट में जीरो दो चार छ या आठ होना चाहिए यहाँ पर तीन में विभाजकता देखनी हो तो अंकों का योग देखते हैं अंकों का योग तीन से विभाज्य हो सभी अंकों का योग ठीक है सभी अंकों का योग तीन से विभाज्य हो इनमें सिर्फ लास्ट के दो अंकों का योग देख दो अंक देते हैं इकाई और दहाई का योग नहीं सिर्फ दो अंक दो अंक आपके लास्ट के जो है वो चार से विभाज्य है या नहीं और पांच से विभाज्य में हम क्या देखते हैं कि इकाई का अंक या तो जीरो हो या पांच हो तो ये आपके जीरो दो तीन चार पांच से विभाजकता के कुछ नियम थे ठीक है अब ऐसे ही प्रैक्टिस करा ले इसी पे और क्वेश्चंस देखते हैं ठीक है तो ऐसे ही मैं पूछ लेती हूँ आपसे थ्री टू एट वन ये आप बताएं तीन से विभाज्य है या नहीं जल्दी से चैट ऑप्शन में लिख के बताएंगे तीन से विभाज्य है या नहीं, नहीं। जल्दी से बताएं तीन से विभाज्य है या नहीं? नहीं इसकी तीन से विभाजकता चेक करनी है नो no. आने लगे आंसर आपके नो आए हैं कैसे इनके अंकों का योग देखना है तीन प्लस दो प्लस आठ प्लस एक कितना आएगा अंकों का योग पांच छह प्लस आठ चौदह तो चौदह तीन की टेबल में आता है नहीं तो ये भी आपका तीन से विभाज्य नहीं होगा सबने सही आंसर दिया ठीक है फिर उसके बाद चेक करते हैं फाइव कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं फाइव फोर एट सिक्स टू तीन से विभाज्य है या नहीं बताए तीन से विभाज्य है या नहीं जल्दी से बताए इसे भी कैसे चेक करोगे अंकों का योग फाइव प्लस फोर प्लस एट प्लस सिक्स टू हम्म इसका भी नहीं कितना आया पच्चीस आया तो पच्चीस आ रहा है इसका योग नौ आठ सत्रह सत्रह छह तेईस तेईस सौ दो पच्चीस तो ये भी आपका तीन से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि 25 तीन से विभाज्य नहीं होता है सबको समझ में आ गया ऐसे ए ट्वेंटी चार से विभाज्य है या नहीं चार से विभाज्य बताओ है या नहीं आंसर आने लगे आपके हाँ है क्यों क्योंकि लास्ट के दो अंक क्या आए 24 चौबिस आपका चार से विभाज्य है ठीक है सबको समझ में आ गया इसी तरह फाइव फोर एट जीरो चार से विभाज्य है या नहीं जल्दी से बताओ चार से विभाज्य है या नहीं फाइव फोर एट जीरो हम्म जल्दी से बताएं आने लगे आपके आंसर हम्म है फाइव फोर एट जीरो आपका चार से विभाज्य है क्यों क्योंकि लास्ट के दो अंक क्या है अस्सी लास्ट के दो अंक क्या आ रहे हैं अस्सी अस्सी आपका चार की टेबल में आता है चार बीस बार तो अस्सी आपका चार से विभाज्य होगा तो फाइव फोर एट जीरो भी आपका चार से विभाज्य होगा तो बस तीन और चार का आपको याद करने का था दो और पांच का तो सभी को याद होगा दो और पांच का तो बहुत ईजी था दो में इकाई की संख्या क्या हो जीरो दो चार छ आठ हो और पांच से विभाज्य है तो इकाई की संख्या क्या हो जीरो कॉमा पांच हो ठीक है अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट इन क्वेश्चन में हो तो पूछो सबको क्लियर है ठीक है किसी को कोई डाउट नहीं है ठीक है तो आज के लिए इतना ही था कल हम इसके आगे के विभाजकता के नियम आगे की संख्याओं के पढ़ेंगे आज सिर्फ हमने दो तीन चार पांच